सो या गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। बहुत दिन बाद इसी बहाने व्लॉग भी हो जाएगा, और कुछ मुझे लगा कि कुछ कंटेंट नहीं था कि क्या डालूँ व्लॉग। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टी शर्ट्स या जीन्स होते हैं जो कि फेडेड हो जाते हैं या कुछ भी उसमें अभी अच्छे नहीं लगते, तो हम नहीं पहनते हैं। तो उन्हें हम कैसे ही 200 में रिक्रिएट करके पहन सकते हैं, जैसे हमारी महंगी जीन्स और महंगे कपड़े फिर से यूज़ हो सकते हैं। तो मैंने एक जीन्स डाई करी है 200 रुपीज़ के कलर में। उसमें आप कई बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मैं सारा मेंशन कर दूँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे। इसमें जो मुझे ये फेडेड वाला पार्ट है ना, ये पसंद नहीं आता क्योंकि इसका ये पीला हो जाता है। तो अब इसको जो है पूरा जो डेनिम ब्लू होता है उसमें करेंगे कलर। ये इसके साथ आया है एक यूज़र मैनुअल, और इसमें ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि आपको कैसे जो है करना है, कैसे कितने सारे वाटर में सोक करना है, कितने टेम्परेचर पे। तो अलग अलग कॉटन मटेरियल का अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक वाला पहले ही ओपन कर लिया था, तो इसमें कुछ ऐसा आता है। क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं दिखाती हूँ। ये है डाई फिक्स, डाई करने के बाद डाई फिक्स सोक करते हैं। 4 पैकेट ये मिलेगा, 5 पैकेट सॉल्यूशन। और ये है पक्का रंग का सैशे, आपको कितना करना है ये आपको अपने हिसाब से मेज़र करना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है इसे में सोक करके शायद रखना। ये मिलेगा, ये क्या है, ये तो समझ नहीं आ रहा है क्या है। ये आपको मिलेगा उर्फी जावेद का कपड़ा। तो अब मैं, ये उर्फी जावेद का कपड़ा नहीं है, ये एप्रन है। और अब इसको हम प्रॉपर पहन के फिर डाई करेंगे ताकि हमें फील आए कि हम प्रॉपर डाई करने वाले हैं। मुझे तो लगा उर्फी का कपड़ा कहाँ से भेज दिया ये दीदी। और क्या मिला है इसके साथ, फिर तुम पहले तो उसको सोक करना था। ये क्या है, ये मिला है आपको नाम का ग्लव्स। ये कपड़े के बाद मेरी मेहंदी लगाने का काम आएगा। ये तो मैं समझ ही नहीं पाई पहले कि क्या दे दी। मुझे लगा कुछ इसमें प्रोसीजर है सेटअप। ये नंबर 25 जीन्स ब्लू। कई सारे क्या कर सकते हैं ना इसमें, टोटल इतने हैं, इतने 8 है टोटल। तो हमने पूरा प्रॉपर वीडियो देख लिया है क्योंकि इंस्ट्रक्शन से हमें ज़्यादा कुछ पल्ले पड़ा नहीं। और इसका एक सैशे लेना है, और पता नहीं शेड कौन सा आएगा, लेकिन अगर शेड एक बार करते हैं, शेड सही नहीं रहा तो फिर दोबारा फिर करेंगे। इजी वे में एक सैश चाहिए, इतना उसमें दिखा रहा है कि आधे घंटे ये करें वो करें। एक सैश चाहिए, ये ले लेते हैं। ये जीन्स आप लोग फाइनल लुक देख लीजिए, इसमें कितना फेडेड पोर्शन है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं इसको पहनती नहीं। नॉर्मल पानी में सोक कर लेंगे। जीन्स मैंने पानी में सोक कर दी है, और अब चलते हैं पानी गर्म करने। ये बॉयल होने के लिए रख देंगे नमक डाल के, लेकिन हमारे यहाँ सप्लाई का पानी आता है उसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो इसमें कितना नमक डालना है कितना नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं नमक डालूंगी क्योंकि इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन में। बाकी लोगों के यहाँ साफ पानी आता है नॉर्मल, तो उसमें नमक, इसमें तो नमक पहले से रहता है। इस कढ़ाई में भी पता नहीं जीन्स आ पाएगी कि नहीं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पीजी में इससे अच्छी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो जीन्स कैसी कलर होती कैसी नहीं वो भी डिपेंड कर करता है कि मैं कैसा हो रहा है मेरा जीन्स और आपका। इसको थोड़ा बड़े बर्तन में सोक करना है। तो इसमें नमक डालेंगे, कितना नमक था ये भी तो नहीं पता, चलो इतना नमक डाल देते हैं इस नमक वाले पानी में। फिर हम अभी डालना है डेनिम ब्लू जीन्स का, डेनिम कलर, जीन्स ब्लू कलर। हमको लग रहा है एक सफिशियंट है ना, क्योंकि लाइट कलर की है भी तो जीन्स। कितना जीन्स कलर कर रही है तो वही वीडियो डायरेक्ट इसको इसमें पोर करना है। वही ट्राई कर रही है फर्स्ट टाइम, यही बोल रहे थे हम। बर्तन छोटा, बड़े से भगोने में करना होता। चलो लेकिन कोई बात नहीं है,
बात है, आधी जीन्स अलग कलर की हो जाएगी, आधी अलग कलर की हो जाएगी। ये हमको लग रहा अच्छा कलर आया ना। कलर बहुत सुंदर आया अगर ऐसा ही रहा तो। सॉरी तुम्हारे इस चक्कर में वीडियो इसको आधे घंटे तक पकाना है, लेकिन हमारे पास बर्तन छोटा है तो जीन्स थोड़ा बहुत कलर इसका वो वैरी कर सकता है। सोक करते समय ये ध्यान देना ज़रूरी है कि पूरा पोर्शन एक जैसे भीग जाए, बड़े बर्तन की ज़रूरत है, वरना जीन्स कुछ ऐसी हो जाएगी। और इसको आधे घंटे तक पकाना है, कम से कम, कम से कम नहीं आधे घंटे ही पकाना है। आधे घंटे बॉयल हो रहा है तब तक हम ये डाई फिक्स एक नॉर्मल वाटर में पोर कर लेते हैं और उसके बाद इसको डायरेक्ट उसमें डालना है। थर्टी मिनट्स इसको सोक कर लिया है, इसको नॉर्मल वाटर में पोर करना है। नॉर्मल वाटर में नहीं, डाई फिक्स में, डाई फिक्स इससे अब इसको डाई फिक्स में पोर करना है अच्छे से। डाई फिक्स में कम से कम इसको 10 मिनट रखना है और फिर इसको नॉर्मल वाटर में तब तक इसको सोक करना है जब तक ये अपना कलर छोड़ना बंद ना कर दे। तो अभी 10 मिनट वेट करते हैं। तो ये 10 मिनट डाई फिक्स में सोक करने के बाद अब इसको नॉर्मल वाटर में सोक करेंगे और जीन्स कुछ ऐसी है। अब बिफोर और आफ्टर की इमेजेस आपको दिख जाएंगी। नॉर्मल वाटर में केवल तब तक जब तक इसमें कलर निकलता है तब तक आप चेंज करते रहें। डाई फिक्स में भी देखो कलर निकला है थोड़ा सा, ठीक है। ये जीन्स का कलर देखो चेंज हो गया, लग नहीं रहा ना कि वैसी जीन्स थी। और इसको नॉर्मल वाटर में सोक करने के बाद आप इसको छांव में ऐसे ही सुखा दें और सुखाने के बाद मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको कि जीन्स फाइनल इसका लुक कैसा आया। फाइनल लुक ये है, फिर से बोलो। ये एकदम लाइट से एकदम डेनिम ब्लू जो होता है वो हो गई जीन्स, बहुत अच्छी हो गई है ना, एकदम न्यू हो गई है जीन्स। और ये सूख जाएगी फिर मैं आपको एक बार फिर दिखा दूंगी। आप कमेंट में बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा और कुछ टॉपिक्स कमेंट करना जिसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। और अब जब वीडियो पूरा देख ही लिया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो तो फिर मेरा मोटिवेशन मुझे नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो कैसे अपलोड करूँ जब सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके जाना।